La 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 la, love is love. Hi, welcome to Eat Right with Dietitian Shreya. First of all, I would like to thank you for liking our segments, our videos so much, and I'm getting hits and likes on my Facebook account. हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है अपने फेसबुक अकाउंट पे, जिस पे हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट वीडियो शूट किस पर चाहिए. सो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो है हाउ टू लूज वेट. रादर क्वेश्चन शुड बी व्हाई एम आई नॉट लूजिंग वेट. मेरा वेट क्यों नहीं लूज हो रहा है? मैं जिम जाती हूँ, मैं डाइट करती हूँ, मैं हेल्दी ईटिंग पे हूँ, हर 2-2.5 घंटे के बाद खाती हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ अपने वेट लूज करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है? Why am I not losing weight? First reason is skipping meals. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वज़न कम करने के लिए भूखे रहना शुरू कर देते हैं या ये सोचते हैं कि अगर हम लोग एक मील स्किप कर देंगे तो उससे हमारी कैलोरीज इनटेक कम होंगी, जिसकी वजह से हम वज़न कम कर पाएंगे. सुबह उठते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट अवॉइड करते हैं, सिंपल एक एप्पल लिया, सीधा हम ब्रंच करेंगे या हम दिन में 2 या 3 मील्स लेना शुरू कर देंगे. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा. इनकेस अगर हो गया तो मसल लॉस होगा और जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे वेट आपका बाउंस हो जाएगा. सो फर्स्ट रीजन इज स्किपिंग मील्स. द सेकेंड रीज़न इज़ वाइटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसे हम लोग बताते रहते हैं कि आप अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं. हर 6 मंथ्स के बाद, हर 6 महीने के बाद आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए. अगर आपका वाइटामिन डी उसमें डेफिशिएंट आया है तब भी आपको अपना वेट लूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो आप सप्लीमेंट स्टार्ट करें, धूप में बैठें, अपना डाइट प्लान ऐसा बनवाएं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से जिसमें वाइटामिन डी और कैल्शियम आपके डाइट में इनफ हो. Why am I not losing weight? The reason number 3. Inadequate sleep. अगर आप बहुत देर तक जागते हैं, देर रात तक काम करते हैं, सुबह फिर जल्दी उठ जाते हैं, या अगर आपका 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है तो भी वो एक रीज़न है आपका वज़न ना कम होने का. उससे कॉर्टिसोल हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है. तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ, कैमोमाइल टी. कैमोमाइल एक टी, एक ऐसा हर्ब है जो आपको अच्छी स्लीप लेने में हेल्प करता है. और आप अपना डिनर स्किप मत कीजिए, 2-2.5 घंटे पहले खा लीजिए ताकि पेट भरा होगा तो नींद अच्छी आएगी. Why am I not losing weight? Reason number 4. Hypothyroidism. अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है, आपका थायराइड लेवल इम्बैलेंस है, तब भी आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसका एक सोल्यूशन है कि आपको अपने वेट को चेक रखना है, आपको डाइट हाइपोथायरॉयडिज्म के अकॉर्डिंग बनाना है. अगर आप किसी कंसल्टेंट डाइटिशियन के पास जा रहे हैं जिसका क्वालिफिकेशन आपने नहीं चेक किया है तो वो आपकी मिस्टेक है. तो आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, अपना बैलेंस डाइट, अपना हेल्दी डाइट, वेट लॉस का डाइट हाइपोथायरॉयडिज्म के अकॉर्डिंग बनवाइए. हाइपोथायरॉयडिज्म में जो फूड आपको अवॉइड करना है उसको फर्स्ट नंबर हम लोग देंगे गोइट्रोजेनिक फूड. गोइट्रोजेनिक फूड मतलब सोयाबीन. सोयाबीन वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती है क्योंकि वो प्रोटीन सोर्स है, लेकिन अगर आपको हाइपोथायरॉयड डिटेक्ट हुआ है तो आपको सोया अवॉइड करना है. क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स. क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मतलब ब्रोकली, कैबेज, ये सब चीज़ें जो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, तो ये चीज़ें आपको फिर से अवॉइड करनी है. रीज़न नंबर 5. PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम. अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कोई भी रीज़न, या आपके यूट्रस में सिस्ट है, तब भी आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, उसका सही से ट्रीटमेंट लेना है. अगेन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को मिलके PCOD के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान बनवाइए और जैसे ही आपका PCOD ठीक हो जाएगा आपका वेट लॉस आना शुरू हो जाएगा. PCOD में जो आपको फूड अवॉइड करना चाहिए वो है सोडियम या डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है. उसमें जैसे आजकल काफ को, छोटे बच्चे को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हार्मोन्स के ताकि दूध प्रोड्यूस कर पाएँ, तो वो हार्मोन हमारे अंदर भी जाता है. या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतना सोडियम लेवल है वो सिस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेगा. सो आप अपना डाइट प्लान एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एक अच्छी क्वालिफाइड डाइटिशियन से बनवाइए. रीज़न नंबर 6. कैलोरी इनटेक वर्सेस आउटपुट. हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा हम लोग जिम में जाते हैं लेकिन बाकी के 23 घंटों का क्या? बाकी के 23 घंटे तो आपको डाइट ही करना है, डाइट पे ही फोकस करना है, हेल्दी ईटिंग करना है. तो क्या करें, अगर आपको ये लगता है कि आपका लैक ऑफ मोबिलिटी है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, तो आपको अपने आप को 15 से 20 मिनट देने हैं घर पे, चाहे सूर्य नमस्कार कीजिए, योगा कीजिए, 15 मिनट की साइकिल चला लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लीजिए या जिम में घोड़े की तरह दौड़ते रहिए, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सिर्फ थोड़ा सा मोबिलिटी, अगर आप सिटिंग पोजिशन पर हैं, अपने पैर आप हिलाते रहिए, हाथ हिलाते रहिए, नेक मूवमेंट्स करते रहिए, या आप अपने आप को थोड़ा सा एक मोबिलिटी में रखेंगे, तब भी आपको आपका वेट लॉस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो, एंड Just keep watching Eat Right with Dairesh and Shreya.